दोस्तों, मैं हूं सफन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा था, उसी में आपको बताने जा रहा हूं फोटोशॉप में किसी भी फोटो का, जैसे हम देख रहे हैं आपकी ये फोटो है, इसी के फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके उसका हम पासपोर्ट साइज का फोटो एक मिनट के अंदर जल्दीबाजी में कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे मोटिवेट होकर इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर हम पासपोर्ट साइज फोटो जल्दी से कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास फोटो है, ठीक है, हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर हम पेंटूल से कटिंग करें तो काफ़ी टाइम लेगा, तो हमें जल्दीबाजी करना है, क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, विंडो में जाते हैं और लेयर्स को ओपन करते हैं, जिसका शॉर्टकट है F7, इस पर हम क्लिक किए। यहाँ से हम क्या इस ताले को क्लिक करेंगे, ताले खुल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, विंडो में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले लेयर्स पर क्लिक करना है, जो पीछे लेयर पैनल खोल रखे हैं इस पर क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी में आना है और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है देखिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने के बाद आप क्या करें, थोड़ी सी फोटो की साइज़ आप छोटी कर दें, क्या करें शिफ्ट दबा के रखें, हल्की सी साइज़ छोटी कर दें। उसके बाद क्या करें, यहाँ से लेयर पैनल में प्लस पर क्लिक करें, न्यू लेयर ऐड होगी, उस लेयर को आप नीचे ले आएँ। उसके बाद क्या करें, आप यहाँ पर टूल बार देख रहे हैं, यहाँ पर टूल बार या ग्रेडियंट पर क्लिक करें। इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे, देखिए ब्लू सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको, जिस कलर का भी शेड चाहिए आपको, पर्पल का, ब्लू का, जो भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पर्पल का शेड ले लिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के रखा नीचे वाले लेयर पर, जो न्यू लेयर लिया है शिफ्ट दबा के रखा और नीचे से ऊपर की तरफ हमने क्या किया, खींच दिया। तो अब आपकी क्या है, ये बैकग्राउंड आपकी इजीली एक मिनट में ये चेंज हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ में, पासपोर्ट साइज़ होता क्या आपका 40mm बाय 50mm। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ से क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद आपने सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप डाल दें 40mm टाइप कर दें, यहाँ 50mm टाइप कर दो, यहाँ पर 300 टाइप कर दें। उसके बाद जैसे ही आप करेंगे, यहाँ आपका ऑटोमेटिक 40 से 50mm फोटो आपकी यहाँ पर क्रॉप हो जाती है, सेट दिख जाती है। तो आपको अगर छोटा फोटो और करना है उसी रेशियो में छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा लेफ्ट राइट खिसकाना, जिधर भी खिसकाना फोटो को खिसका के एंटर मार दें। एंटर करने के बाद देखिए आपकी फ़ोटो क्या है, आपकी क्रॉप हो गई 40 से 50mm में, ठीक है, जो पासपोर्ट की साइज़ होती है। लेकिन होती क्या है, इसमें आपकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बाहर निकली होती है, तो उसके लिए आप क्या करना है, इमेज में जाना और आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप क्या करें, आप मर्ज विजिबल इस पर आप क्लिक कर दें, जो एरिया है आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, आपका जो साइज़ था आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में जाके, इमेज साइज़ ये 40mm बाय 50mm ऑलमोस्ट ये हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू पेज लेना है और यहाँ पे आपको जाना है प्रिंट में, यहाँ से आपको A4 ले लेना है। तो A4 का आपको यहाँ देखिए साइज़ दिख रहा है, A4 लेना है और प्रिंट के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, CMYK कर लेना है और क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद क्या करना है, ये वाली फ़ोटो को खींच के आपको इस वाले पर छोड़ देना है। उसके बाद फ़ोटो को आप क्या करें, कोने में ले आएँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके आप जूम कर लें, ठीक है, कंट्रोल प्लस जूम किया। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करें, इसकी एक कॉपी बनेगी और शिफ्ट दबा के इसको खिसका लें, जितना भी खिसकाना है कंट्रोल जे दबाएं, शिफ्ट दबा के आप खिसका लें, कंट्रोल जे शिफ्ट दबा के हमने खिसका लिया, ठीक है। ये हमारी चार फोटो हो गई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले नीचे वाली व्हाइट लेयर है इसको हम अनलॉक करके डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास चार बच गई, हमने क्या किया, यहाँ पर आके मर्ज विजिबल पर क्लिक किया, तो हमारे चारों बन के एक हो गई। फिर से हमने कंट्रोल जे प्रेस किया, हम नीचे किया, उस तरह आप कंट्रोल जे प्रेस करते जाएंगे आपकी कॉपी बनते जाएगा और शिफ्ट दबा के आप नीचे की तरफ खींचते जाइए, कंट्रोल जे और शिफ्ट दबा के हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं, कंट्रोल जे और हमने शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ खींच लिया। इस तरह देखिए हमारी क्या पूरी A4 साइज़ की फ़ोटो बन गई। उसके बाद फिर से लेयर में क्लिक करें और यहाँ आपका क्या मर्ज विजिबल क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और कंट्रोल ए करें। करने के बाद क्या है, यहाँ से आप ये देखें सेंटर वाले, ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट सेंटर करेगा और यह सेंटर ऊपर नीचे सेंटर करेगा, इसको क्लिक कर दें और यहाँ पे जा करके आप फ्लैटन इमेज करते हैं। आपकी देखिए पूरी पूरी A4 साइज़ में जितने फोटो आते हैं 4x5 20 फोटो आपके बनके तैयार हो गए इजीली। आपको करना भी कुछ नहीं पड़ा, जूम करके देखिए आपकी क्या सारी क्वालिटी भी फ़ोटो की अच्छी आ गई। इजीली आप इस फाइल को आप क्या करें, फाइल में जाएँ, सेव एज करें और जहाँ भी रखना है आप इसको बस सेव ए कॉपी पर क्लिक करें। आपको जहाँ रखना है, मॉल आपको डाउनलोड रखना है, जहाँ भी रखना है यहाँ पर JPG पर क्लिक करें, JPG आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर जो भी नाम रखना है पासपोर्ट फोटो रखा और इसको आप सेव करके जिसको भी प्रिंट करने के लिए भेजना है इसको मैक्सिमम साइज़ पर रखें, यहाँ 12 पे ओके करके भेज दें और आपका क्या A4 साइज़ का एक साइज़ A4 साइज़ में आपके 20 फोटो बनके आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह इजीली आप क्या कर सकते हैं,
किसी फोटो का इजीली बैकग्राउंड चेंज करके आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है एक मिनट में बना सकते हैं। इससे जल्दी आपको फोटो बनाना पासपोर्ट साइज में आपको कोई नहीं बताएगा। इससे कि आपकी फोटो भी इंप्रूव हो गई और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज क्लास हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।